एप्लीकेशन देखा आपने लास्ट टाइम कोलम्स का, स्टेशनरी चार्ज के कारण दो चार्ज के बीच में फोर्स एक्ट हो रहे थे। वेक्टर फॉर्म में भी हम लोगों ने उसको फाइंड आउट किया, और अब यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के पहले थोड़ा मैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे एक मैग्नेट होता है वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, ठीक है ना, वैसे ही एक स्टेशनरी चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। मालूम कैसे चलेगा कि उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है? इसके लिए आपको चार्ज को एक बार फिर से समझना पड़ेगा। यहाँ पे चार्ज को हम क्लासिफाई कर रहे हैं टू पार्ट्स में। अब तक हम लोगों ने स्टडी किया था पॉइंट चार्ज, और अब हम बात करेंगे साथ साथ टेस्ट चार्ज का, ठीक है ना। तो चार्ज की अगर हम बात कर लें तो चार्ज नाउ क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड द पॉइंट चार्ज, एंड ये नए वाले चार्ज को बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, दिस वन इज डिनोटेड बाई नॉट, क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता कैसे, दिस वन इज वेरी स्मॉल इन अमाउंट, बहुत मैग्नीट्यूड इसका कम होता है, स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, और दिस वन इज कंसीडर पॉजिटिव। ओके, टेस्ट चार्ज का फंक्शन क्या है, इसको यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, टेस्ट चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। दूसरा चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्ट कर सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज चूँकि इसका अमाउंट बहुत कम होता है, मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इसलिए ये दूसरे चार्ज पे कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है ना, तो करना क्या है, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, सपोज दैट दिस इज द प्लस क्यू, और इसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट हो चुका है जिसे हम और आप नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना, तो हमने जब टेस्ट चार्ज को इसके रीजन के बाहर लेकर के आए ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, जीरो। लेकिन जैसे ही ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे आते हो इस टेस्ट चार्ज को लेकर के, इस बी पॉइंट पे फोर्स जीरो नहीं होगा, यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है ना, और जितना ही इस चार्ज के पास आएंगे द फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप पास आओगे आर डिक्रीज करेगा, एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मॉड ऑफ क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो जितना जितना चार्ज के बीच का स्पेस कम होता जाएगा उतना ही फोर्स, ये कम हो गया तो ये इंक्रीज कर गया, और ये जब बहुत दूर चले जाओगे, सपोज दैट आर टेंस टू इन्फिनिटी, तो आर इन्फिनिटी बहुत दूर चलेगा तो फोर्स का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको डिफाइन करेंगे ए स्पेस और रीजन इन विच ए सोर्स चार्ज, दिस इज द सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज, दिस इज द पॉइंट चार्ज भी कह सकते हो और इसको सोर्स चार्ज भी कह सकते हो। ए स्पेस और रीजन इन विच ए सोर्स चार्ज एक्ट फोर्स ऑन एनोदर चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, एनोदर चार्ज, दिस इज अ टेस्ट चार्ज। दैट रीजन या फील्ड इज नोन
इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। जब किसी सोर्स चार्ज के रीजन में किसी स्मॉल चार्ज को लेकर के आते हैं, टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं, तो फोर्स एक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस रीजन को या उस फील्ड को बोलेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर बिकॉज आपने क्या बोला, एक स्मॉल चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे थे इनसाइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फोर्स क्या होगा दो चार्ज के बीच में, अगर यहाँ पे भी स्मॉल चार्ज है क्यू नॉट और यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, तो दोनों के बीच में फोर्स आपको मालूम है क्या है, कॉन्स्टेंट क्यू एंड मॉड क्यू एंड क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, ये कैंसिल, क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, के, व्हाट इज द के, के इज द 1/4 πε0 के, और ये आ गया आपका वैल्यू, यहाँ पे ओपन किया था आपने, ये डिस्टेंस अगर आर है तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा चार्ज कंसीडर होगा वो होगा सोर्स चार्ज, ऑलवेज वी कंसीडर द सोर्स चार्ज, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द एफ बाई क्यू, या इसको ऐसे भी शो करते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ बाई क्यू, ओके। प्रॉपर्टीज मैंने आपको सेंड कर रखा है पीडीएफ फाइल बना करके, तो उसे आप स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं डाइपोल क्या होगा और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ठीक है। थैंक यू।